आने का जवाब देने होंगे, देने होंगे, देने होंगे। सवालों का जवाब देने होंगे, देने होंगे, देने होंगे। सवालों का जवाब देने होंगे, देने होंगे, देने होंगे। सुन लो सुखू बात, एक जो हिटलर की चल चलेगा, जो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री और रेवेन्यू मिनिस्टर की ओर से जिम्मेदारी के साथ जवाब ना देने की वजह से हमने वॉकआउट किया है। और मैं इस बात को मैं कहना चाहूंगा, प्रश्न ये था कि सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सुनाग में एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज हमने शुरू किया था और उसकी फॉरेस्ट क्लीयरेंस करने के बाद 205 बीघा जमीन उस कॉलेज के नाम पर की गई। फॉरेस्ट की क्लीयरेंस सारी होने के बाद वहां पर भूमि पूजन किया गया और भूमि पूजन के पश्चात 10 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान करने के बाद 2.25 वर्ष का कार्यकाल हुआ, लेकिन टेंडर नहीं होने दिया। अंततः टेंडर जब हुआ, जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को हमने डिपॉजिट दिया था, हमने कहा इसका टेंडर तो करिए। जब टेंडर किया तो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि इस टेंडर को रोक दीजिए। जब हमने इस बात को पूछा तो कारण ये गोलमोल करके मंशा इसके पीछे ये है, या तो इस कॉलेज को बंद करना है या इस कॉलेज को यहां से शिफ्ट करना है। ये दो वजह है जिसको स्पष्ट नहीं कर रही है। और आज जिस प्रकार से जवाब जब मांगा गया तो ये सराज विधानसभा क्षेत्र के कमांड ऑफिस बिल्डिंग का जिक्र करते रहे, सराज विधानसभा क्षेत्र के रेस्ट ऑफिस का जिक्र करते रहे और जवाब में कहने लगे कि इस कॉलेज के बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए लगेगा, आप 300 करोड़ रुपए दीजिए और उसके बाद हम इस कॉलेज का काम शुरू करेंगे। ये मैं समझता हूं कि कोई भी जिम्मेवार जवाब सरकार का नहीं है। अगर बजट प्रावधान हमने किया है 10 करोड़ का, पहले हमने कहा कि उसका ही टेंडर लगाओ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का, और अगर पैसे का इंतजाम करना है, ये वर्तमान सरकार की जिम्मेवारी है जो सरकार सत्ता में है, कि जो नीति है, जो तौर तरीका है, इस पर हमने जब प्रश्न खड़ा किया। आप हमको बताइए, जब मुख्यमंत्री से मैंने पूछा कि आप स्पष्ट करिए कि इस कॉलेज का काम शुरू होगा कि नहीं होगा, वो भी इसी बात को कहने लगे पैसा लेकर के आइए तब जाकर के हम इसका काम शुरू करेंगे। मैं समझता हूं ये बहुत गैर जिम्मेदाराना जवाब है उनका। और जो रेवेन्यू मिनिस्टर ने पर्टिकुलरली कहा कि वो फिजिबल नहीं पाई गई, ये सत्य नहीं है, ये सरासर झूठ है। और जो वहां से जो इस काम के लिए जो टीम आई हुई थी उनके ऊपर जबरदस्त दबाव बनाया गया कि किसी तरह से भी रिपोर्ट इस तरह से बना करके दीजिए, कहो कि ये जगह फिजिबल नहीं है। और इस बात को लेकर के मैं कह रहा हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर आज के दौर में ये तमाचा बना हुआ है।